हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अबाउट टू द क्रिटिकल करंट इन सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या है, क्रिटिकल करंट क्या है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। बट बिफोर दैट आपको ये जरूरी है कि आप समझ जाएं कि परसिस्टेंट करंट क्या है। जो परसिस्टेंट करंट है एक्चुअली, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सुपर कंडक्टर का जो है रिंग कंसिडर करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इन दिस वे। और एज यू नो कि जो रेजिस्टिविटी है ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का वो जीरो है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ कोई करंट आई फ्लो करेगी इस सुपर कंडक्टिंग रिंग के अंदर, तो वो करंट फॉर एवर फ्लो करता रहेगा, राइट। तो उसके लिए फिर कोई एक्सटर्नल जो है सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार करंट का फ्लो हुआ तो फॉर एवर जो है करंट का फ्लो करता रहेगा, तो उस करंट को आप परसिस्टेंट करंट बोलते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ मैं एक और क्लियर कर दूँ कि जब किसी कंडक्टर के अंदर आई करंट का फ्लो होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डेवलप करता है। करंट की वजह से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इन ए सिमिलर वे यहाँ ये जो करंट फ्लो करता है इनटू द सुपर कंडक्टिंग रिंग, तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था क्रिटिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम लोगों ने एच सी से डिनोट किया था। ये क्या था, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इसी के साथ में जो इसका रिलेशनशिप शो किया था वो क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ में शो किया था, राइट। तो अभी यहाँ आप जो है आपको आइडिया होगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, अगर उस वैल्यू के अबव हम चलते हैं तो जो सुपर कंडक्टिविटी है वो वैनिशेज हो जाती है इनटू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, राइट। तो अभी अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है अगर वहाँ पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाए तो वो फोर एवर जो है करंट फ्लो करता रहेगा। और साथ में ये भी देख लिया कि यहाँ अगर किसी कंडक्टर के अंदर, राइट, करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑफ द सुपर कंडक्टर, उसकी वैल्यू कहीं एच सी से ज़्यादा ना हो जाए, राइट। ये जो करंट यहाँ है परसिस्टेंट करंट जो था, इसकी वैल्यू अगर एच सी से, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो इंटेंसिटी है, राइट, वो कहीं अगर एच सी से ज़्यादा हो जाए इस करंट की वजह से जो है वो उस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सिंपल सेंटेंस ये है। सो यहाँ क्रिटिकल करंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि करंट की जो वैल्यू है वो इतनी हो कि उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी इंटेंसिटी जो है वो एच सी से नीचे ही रहे। तो एच आई शुड बी लेस देन एच सी। तो ये पॉइंट है, ये कंट्रीब्यूशन है ऑफ द क्रिटिकल करंट। तो यहाँ हम एक छोटा सा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन ए प्रॉपर वे, राइट। सो जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो बी इज इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन दिस आर, राइट। सो हियर ये आर जो है ये किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आर। इस इक्वेशन को हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आई अपॉन एंड दिस टू पाई आर। सो दिस बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू आई अपॉन टू पाई आर। यू नो दैट कि जो बी है उसका रिलेशनशिप एच के साथ किस वे में है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एच, और b अपॉन म्यू नॉट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू h। सो हियर दिस b अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू i
अपॉन 2 पाई आर। सो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो एच है एक्चुअली ये प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंट करंट, राइट। तो इसको आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं एच आई के थ्रू। तो एच आई इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, वे आई इज दी करंट, ये जो परसिस्टेंट करंट थी इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है, और इसकी जो यूनिट होगी वो यहाँ एम्पियर पर मीटर होगी। ये आप देख रहे हैं आई इन एम्पियर और ये आर इन मीटर। तो एच आई जो है हेनरी, उसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एम्पियर पर मीटर को, और बी जो है वो टेस्ला में यहाँ होगा इसकी यूनिट, राइट। तो ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो ये एच आई है, एच आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इफ दिस एच आई इज ग्रेटर देन एच सी देन व्हाट विल हैपन, सुपर कंडक्टिविटी जो है वो वैनिशेस हो जाएंगी। द मिनिमम करंट दैट कैन बी, द मिनिमम करंट that can be passed in a specimen, जो आप सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल लेके रखे हैं, specimen without destroying the सुपर कंडक्टिविटी। सो दिस मिनिमम करंट एक्चुअली दैट कैन बी पास इन स्पेसिमेन विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड द क्रिटिकल करंट। अदरवाइज क्या होगा कि वो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी जो एच सी के बियॉन्ड हो जाएगा, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सो यहाँ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एच आई इज इक्वल टू एच सी माइनस 2H, और एच आई अभी आपने लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया था एच आई इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। तो इस पे में आपने अभी वो एच आई को डिफाइन किया था। तो यहाँ नाउ व्हेन यू आर यूजिंग दिस एच आई देन दैट टाइम ये आई जो होगा उसको आई सी से डिनोट कर देंगे, तो आई सी अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच सी माइनस 2H। अगर यहाँ से आप आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आप लिखेंगे कि 2 पाई आर इंटू एच सी माइनस 2H। सो यू नो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल जो आपका स्पेसिमेन है। एंड नाउ एट फिक्स डिस्टेंस व्हेन यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये जब आप एच इंक्रीज कर रहे हैं तब वो एच से एच सी जो है वैल्यू है उसमें से ये डिक्रीज कर रही है। तो ये जो रिजल्ट है आपका आई सी, तो आई सी को आप देख रहे हैं कि वो लीनियरली जो है वो डिक्रीज करती है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग एच, राइट। कैसे, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू इसके बाद कुछ एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरी मिलेगी, वो फिक्स होगा, राइट। तो आई सी यहाँ पर जो डिक्रीज करती है वो लीनियरली करती है व्हेन यू इंक्रीज द एच। सो आई सी इज इक्वल टू 2 पाई आर एच सी, एक आपके पास में ये रिजल्ट है, राइट। एंड सेकेंड क्या है कि अगर यहाँ एच आपका इज इक्वल टू एच सी बाई 2 हो, अगर इस वैल्यू पर पहुंच जाए तो आई सी कितना होगा, आई सी इज इक्वल टू 2 पाई आर एच सी माइनस 2 एच सी बाई 2। सो वो आई सी देन दैट टाइम विल बी इक्वल टू 0 व्हेन एच इज इक्वल टू दिस एच सी बाई 2, राइट। सो हियर If the applied field is zero, एक तो ये वैल्यू आपको मिल रही है कि आपका जो क्रिटिकल करंट है वो जीरो होगी only when H is equal to एच सी बाई 2, और दूसरा क्या है कि अगर H जीरो हो जाए, H जीरो हो जाए that means कि एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो तब क्या होगा 2 पाई आर एच सी,
तब क्रिटिकल करंट को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू 2πR इंटू एच सी। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर वीडियो में कोई आपको डाउट लगा है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन टू द कमेंट बॉक्स। आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू।